भाई साहब मेहताब, भाई साहब पूरनमल, ये कौन सा समय हो गया है? ये भाई साहब सांझ का समय हो गया। अब तुम जानते हो कि इस समय हम कहाँ जाते हैं? माताजी के दर्शन करने के लिए, पिताजी का पूजन करने के लिए। तो तुम्हें क्या करना है? अब क्या करना है आज्ञा दीजिए। भैया मेरे ये घोड़े को सजवाए दे और सुन मालिक या छिप गयो अब धरो उठा के भैया हम निज महलन है आमे क्यों नहीं ये जुआ में और हम चरण मात के नित नियम कर साहब आपके लिए और हमारे लिए। अजी गुरु गोरख ने ज्ञान दियो हम ताको हृदय में बसा में ये हम बालापन से अरे जती रहे हम अलख पुरुष कहे आमें। हाँ उस्ताद सावधान है के ये मात का अरे पूजन करके
समझा में। क्या भाई साहब? दो घंटे के बाद लौट कर बाकनेर के मंदिर में लौट हम आमे। अति उत्तम विचार है भाई साहब आपके। चलिए भैया, चलिए आइए आइए। ये कौन है भाई? जय गुरु गोरखनाथ की। जय भोलेनाथ की। कौन हो भाई? कौन हो? मेरा नाम दहेजुआ है। दहेजुआ? हाँ, ये तो नाम हम पहली बार सुन रहे हैं यार। आपके पिताजी नई शादी करके लाए हैं। अरे तो मैं सोचना चाहिए था, महाराज बुढ़े हैं और बुढ़ापे में शादी करेंगे, ऐसी बात सोच करके करनी चाहिए तुम्हें। ए, मेरे बाप ने सात शादी करी। सात? तुम्हारे पिताजी सात शादी की? हाँ, सात शादी करी मेरे बाप ने। अच्छा, फिर छह पे बच्चा नहीं हुआ, सातवीं पे मैं हुआ था। अच्छा, ये बात है? हाँ। तो फिर आप वो जो बात कह रहे थे, हाँ, उसे खुल करके कहो कि बात क्या है। अरे बात ये, पिताजी इनके स्वयं पर जीत के आए, राजा महाराजा के मान मारे, कहा बुढ़ापे में भर्राटे थे मीन मारिए। कहा क्या कैसे? हाँ, कहा बताई। अरे कुसुमनगर में स्वयंवर था, सभी देश देश के राजा आए, किसी पे मीन नहीं मरी। आपके पिताजी ने बेशक शरीर कांप रहा था, उनके बुढ़े हैं, लेकिन मीन को धड़ाके से मारा। जैसे के हमारे पंडित जी पैसा बोल रहे हैं, कोई युवा बोलने वाला नहीं है, इसी तरह हमारे पिताजी ने बुढ़ापे में मीन को मार दिया, नाम कमाया, मीन मार दे। लेकिन मैं दहेज में मिला हूं। साथ आए हो? हाँ, आपके पिताजी की सेवा करने के लिए, तेल लगाने के लिए। भाई देखो ऐसा है, हाँ, हमारा समय हो गया है माताजी के दर्शन करने का। अच्छा, वहाँ दोनों यार, हाँ, माताजी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अरे वाह वाह भाई, वो पुत्र बड़ा भागशाली होता है जो माताजी के दर्शन करे। लेकिन आज हमारे कहने से आप क्या मौसी जी के दर्शन करिए। मौसी जो आई है अभी? भाई मौसी भी तो माँ के समान है ना। अरे मेहताब, इधर आओ यार, ये दहेजुआ, तेरा नाम और कुछ बदल यार, है? और कुछ नाम दर, ये दहेजुआ नाम अच्छा नहीं लगता हमको। तो नहीं, ये तो आपके पिताजी ने धरा, मेरा नाम तो जी जाए, बिन्नी मने कर दे, नाम तो मेरा जी जाए। एक फटीसी पना लियो भैया। है क्या हमारे यहाँ आकर बगीचा में ये बात करेगा तू हमसे? नाम बता रहा हूँ साहब मैं, आप नाम पूछ। बदतमीज कहीं का? मैं कमीज ना पहरू, बुरसेट पर राखिए, मैं तो कमीज ना पहरू। मैं तेरा नाम हम रखते हैं श्रीधर। श्रीधर? हाँ, ये भी अच्छा नाम है, ऐसा रख दो। चलो ठीक है, चलते हैं मौसी माँ के दर्शन करने के लिए। और आज सबके सामने इकरार करता हूँ, और मैं हूँ माँ का लाल, माँ से प्यार करता हूँ। अजी मैं हूँ माँ का लाल, सबसे प्यार करता हूँ। आज सबके सामने इकरार करता हूँ, आज सबके सामने इकरार करता हूँ, मैं हूँ माँ का लाल, माँ से प्यार करता हूँ। श्रीधर? हाँ जी। महल तो बड़े सुंदर है। अरे साहब, नए महल बनवाए साहब, बड़ो चीकनो महल है। एक बात बताइए। हाँ जी। के दोनों हैं? हाँ। हो सकता है जैसे आदमी खाना खा लेता है तो खाना पचाने के लिए टहलने जाता है। हाँ। कोई बैठ जाता है। जी हाँ जी। अब ये बताओ इनमें से हमारी मौसी कौन सी है, जो रेड कलर में है या ब्लू कलर में है? ये जो बैठी है, कैसे कुर्सी पर बैठी है बड़ी अदा से यूं करके, वो तो तुम और जो खड़ी है बीच के, जो बीच के खड़ी है वो हम। अच्छा, ये समझे कि जैसे कुर्सी पर विराजमान है,
जो लाल कपड़े पहन रखे हैं ये तो हमारी मौसी हैं। हाँ। और जो नीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। हाँ। और इस तरीके से हाँ बीच के खड़ी हैं। क्या बीच के? अरे पेट है बीच के, ज्यादा खाली है ना, पेट भीच रहा है। हाँ दाल हाँ? बनी है उर्द की, कोई हाँ, बात हाँ, नहीं उर्द की। उर्दश्च दारम कनकश्च पुलकम घृतम शटाकम अंतेक मिर्चम। तो इस तरह खड़ी हैं। हाँ। ये तुम्हारी मौसी है। हाँ। पूरा मामला ही खराब कर दिया आपने कुमार साहब। जो बैठी है कुर्सी पे वो तो आपकी मौसी है। हाँ। जो खड़ी है बड़ी अदा से तिरछी नजर करके मेरी तरफ। अच्छा, जो मेरी तरफ नजर कर रही है, मुझसे नजर मिला रही है तेरी तरफ। हाँ। ओहो भाई, ये मेरा प्राइवेट लिमिटेड मामला है, ये मेरा ही खोमचा है। खोमचा? हाँ। क्या चाट बनाता है तू? नहीं नहीं, ये खोमचा है मेरा। नहीं, चाउमीन बेचता है क्या? नहीं नहीं, इससे मेरा पेट भर रहा है, ये मेरा खाने कमाने का रोजगार है। आइए साहब। तो ठीक है, हमें तो प्रणाम करना मौसी जी के लिए। हाँ प्रणाम करिए। जरा इस तरफ आन, और ला मिसाल इंसान बांध देख क्या मासूक। क्या मासूक जवान से जाए न चाहता घोड़ा, और मेरे लगाज घर दरमियान आन उसी की काकुल काकुल। चश्म चोट कर चला गया। अरे रानी जी, कौन चला गया? अरे वो जो अभी अभी आया था। वो कौन? चश्म चोट कर चला गया, और ऐसा बेदर्द निगोड़ा। हाय मेरे निकले दिल अरमान मिले अगर उस जवान से। रानी जी मैं समझ गई, रानी जी मैं समझ गई, मैं नहीं मिला। अच्छा अब समझ गई आप किसके बारे में बोल रहे हो। दम को क्या तू जाने के मैं जानू। हो दिले हासिल
कोई तरकीब ऐसी कर, ऐसी कोई तरकीब नहीं है रानी जी, तमन्ना हो दिले हासिल, कोई तरकीब ऐसी कर, कबर नहीं कोई बालम को तू जाने के रानी जी क्या कह रही है बांदी? मैं ऐसा घोर पाप नहीं करूंगी और मैं नहीं जाऊंगी, वो आपका बेटा लगता है। लो कर लो बात, वो आपका बेटा लगता है, नई नई शादी हुई है हमारी अभी, ये बेटा बीच में कहां से आ गया? और रानी जी और भी बताऊं, वो आपकी सोप का लड़का है। तो बड़ी रानी का है, जाऊंगी नहीं जाऊंगी, बड़ी रानी का ही तो है, मेरा तो नहीं। आपका भी तो बेटा हुआ। मेरा कैसा हुआ? अरे मैं पैदा करती तभी तो मेरा होता वो। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी रानी जी, मैं ऐसा घोर पाप कभी नहीं करूंगी। जाएगी जाएगी बांदी, तू रह बचेगी। कहीं कहा है किसी ने, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता जब तक टेढ़ी नहीं करो, उसी में की ये बांदी है। और जाती ना छिनाल, रानी जी गाली मत बको, गालियां नहीं सुनाओ, ऐसा है गाली मत दो चाहे घर से निकाल दो। चिनाल चिनाल चिनाल, और जाती ना चिनाल, लाती ना उस गुल हजारे को, जाती ना चिनाल, कहने हमारे पे करती ख्याल न बांदी, कहने हमारे पे करती ख्याल, अपने ही गाती बजाती है गाल, जा ती नाच नाल, लाबे सनम को तो कर दू निहाल, लाबे सनम को तो कर दू निहाल, उजागर किया तो अभी तू निकाल, जा ती नाचना, चली तो जाऊंगी लेकिन कहूंगी क्या? सुन बांदी, ठंड रख ठंड। अरे सुनिए राजकुमार तनक, अच्छा मौसी बुलबाबे से जरी, और घंटा है गौ एक कमर में दर्द बतावे से, दर्द बतावे से रो मोरी बानी,
आता है वो एक कमर में दर्द बतावे से। बड़े जोर से कसली, अच्छा, और गले की उतार धरी से हसली, और क्या, और बाकी दुखे पसली पसली। बाकी दुखे पसली पसली, रात को नींद ना आवे से, घंटा है दो एक कमर में दर्द बतावे से। ध्यान देंगे भाई, सार खेलने का समय हो गया। देखिए जो अभी भाई को पगड़ी पहनाकर स्वागत किया अतुल गोयल की तरफ से, यानी 251 रुपया पार्टी के लिए और 251 रुपया मंदिर के लिए, जो मंदिर के पुजारी हैं उनके लिए, और 251 रुपया पार्टी के लिए पुरस्कार दान देते हैं। बार बार धन्यवाद अतुल भैया के लिए। मेहताब यार, पूरनमल सार खेलो यार, खेले लेक जुकनावर श्रीधर आ जाओ भाई, खेल का समय हो गया। हाँ सार खेलेंगे, आइए। तो भाई साहब आपसे शुरू क्यों, खेल आपसे शुरू होगा। आइए ला, मैं डाल रहा हूँ शुरू खेल। बालो ओहो, काने तीन काने तीन, मैं डालता हूँ। भाई क्या कर रहे हैं? ये बना रहा हूँ मैं, बना के डालूंगा। क्या बना रहे हैं? चंगा चंगा चंगा, वाह वाह। कंवर साहब मैं आई, और दुआ 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 आई। कुमार साहब ये चुड़ैल की सी आवाज आ रही है। कंवर साहब मैं आई और बादा को खाई। आई तो मुँह खाने की कह रही है, चुड़ैल का ही दबा रखी है। देखिए बिची बिची आवाज आ रही है। ये मंदिर है हाँ, और भोले बाबा का है हाँ। यहाँ भोले बाबा भूत भावन है हाँ। यहाँ भूतली तो आ नहीं सकती है ना, कोई पता ना है, लेकिन बिल्कुल भूतली है। मेहताब तलवार लाओ हाँ, गेट पे जाके देखो हाँ, किसी इंसान ने किसी स्त्री को दबा रखा है। हाँ ऐसी आवाज आ रही है, दबी दबी सी, बिछी बिछी आवाज, बीच रखी है किसी ने। तो जाके देखो। मैं जाऊं? वो कौन है? और हनुमान चालीसा का जाप करते जाओ। और ये ले जाओ तलवार, ये तलवार ले जाइए, या ले जाओ पकड़ के। हैं अरे ऐसे नहीं बेवकूफ, और इधर से पकड़ी जाएगी हाँ, इस तरीके से। अच्छा अगर कोई जंगली जानवर हो हाँ हाँ हाँ, और कोई बाधा हो हाँ हाँ, घबरा रहे तुम, और हनुमान चालीसा का पाठ करता जाऊं। वाह, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीति लोग उजागर, राम दूत अत्यमित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, आगे आएगी तो कर दूंगो नंगी। यू कौन है? तो भूत लिए हनुमान चालीसा बचन बैठी। ओ यू क्या कर रही है? ओ ये तो हनुमान चालीसा। बांदी है तेरी कसम, तू अच्छे समय पे आई है। अब तो कुंवर साहब भी चले गए भीतर बगीचा में, आय हाय तो केला खवाऊंगा तेरू सो, तो है रसगुल्ला खवाऊंगा आज, मेरे भाग जगा दे मेरे सोए। हाय
मेरे सोए भागे हर जगा दे, मेरे सोए भागे तू जगा दे, और चा मेरे घर में आगे जगा दे मेरे सोए। मेरे सोए हाय मेरे सोए भागे जगा दे चंदरे घर में आगे तू मेरे चला में चमेली है और मैं टूटा फूटा हुक्का हूँ। हुक्का जानती है इस नेचे पर मेरे नेचे पर चिलम है अरे जमा दे चाहे घर में आगे लगा दे ओ मेरे सो बांदी तू तो मुझे टक कर दे दे कि मार देगी है? है का कर रही है, कहां हाथ फेर रही है, है? तू मेरी नमकीन पकौड़ी है हाँ, और मैं रस का भरा रसगुल्ला हूं। एक बूंद मधुर अरे तपका दे चाहे घर में आगे लगा दे ओ मेरे सोए। बांदी कैसे आई है, क्यों आई है, क्या काम है बता। मैं कुंवर साहब के पास आई हूँ। यानी हमारे के पास नहीं आई? नहीं, कुंवर साहब से मिलने आई है। हाँ कुंवर साहब से मिलना है। कुंवर साहब, कुंवर साहब, मैंने से बांदी आई है, बांदरी। ये रात का समय है, बांदी का आने का सबब यही तो मैं बता रहा हूँ। ये रात के समय बांदी क्यों आई है, कैसे आई है बांदी, क्या बात है, क्यों आई है? कमर साहब, रानी के पेट में मीठा मीठा दर्द है। यानी दर्द भी मीठा मीठा होता है? हाँ बांदी, तेरी बात सुन के तो बड़ा खेद हो रहा है, लेकिन बैठ जाइए। दर्द तो बड़ा दुख का होता है, लेकिन मेहताब भाई साहब पूरन बंद, क्या बात है? ये बांदी की सुन बात को, अरे भैया मेरा झूठा सब्र करा, और इस वक्त पे भैया अब नहीं सुहावे।
प्रताप। भाई पूरनमल, बात क्या है? क्या बात है? और ये एक तो सख्त दर्द बांधी मेरी मौसी के बतलाती है, और भी कोई बात है? ये तुझे मेरी पानी है हर आंख भड़कती, भैया कुशल न दिखला।